हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में मेरे पास हैं आप लोगों के लिए इंडिया की तरफ से तीन मेजर क्रिप्टो अपडेट्स। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे डीफाई के ऊपर, जहाँ पे इथेरियम को लग रहा है कि वो चल रहे हैं बहुत पीछे। उसके अलावा बात करेंगे कि डॉज कॉइन ने अचानक से 26% का सर्ज लिया है और ऐसा क्यों हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो अपडेट्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया एक नया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जहां पे कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करेंगे पायरेसी से। उसके अलावा दोस्तों यहां पे मेजर इंडियन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया है अपने सप्लाई चेन के लिए। और आखिरी में दोस्तों बात करेंगे आज के सबसे बड़े अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टीसीएस ने लॉन्च कर दिया है क्वार्ट स्मार्ट सॉल्यूशन, जो कि हेल्प करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए। तो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मोनिश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे दोस्तों BTC की डोमिनेंस 64.5% से घट के आ चुकी 62.8% की तरफ। और यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है समय 9,276 US डॉलर पे। इथेरियम अपने पिछले प्राइस से बढ़ के आ गया है 240 US डॉलर पे। और यहाँ पे दोस्तों टॉप 10 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कडानो आ गया है नंबर 8 से नंबर 6 पे। और इसने दोस्तों लाइटकॉइन और बिटकॉइन SV को भी पीछे छोड़ दिया है। करंटली अगर इसकी प्राइस को देखेंगे दोस्तों, तो ये इस समय सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। अगर आप इसके प्राइस की सर्च की बात करते हैं, यहाँ पे 25.49% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और यहाँ पे crypto.com भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई प्राइस क्रॉस कर चुका है और आ चुका है 0.139 पे। और इसका दोस्तों जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो था यहाँ पे 0.124। तो ये था दोस्तों कॉइन मार्केट कैप का अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पहले टॉपिक की। तो यहाँ पे दोस्तों डीफाई ने एक नया माइलस्टोन हिट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों उनका जो टोटल वैल्यू है वो पहुंच चुका है 2 बिलियन US डॉलर का। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको पता है आवे जो एक लेन टोकन है, उसके प्राइस में भी यहाँ पे काफी सर्ज देखने को मिला है। और ये भी दोस्तों एक डीफाई मॉडल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि डीफाई के लगातार बढ़ते हुए वैल्यूएशन को देखते हुए अगर आप बात करते हैं इथेरियम की, तो यहाँ पे इथेरियम के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का कारण है। पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डीफाई के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेम इसकी जो पूरी वैल्यूएशन थी वो थी यहाँ पे 750 मिलियन US डॉलर की। जून में दोस्तों ये बढ़ के पहुंच गए 1 बिलियन के पास। और ये देखिए सिर्फ एक महीने के अंदर ये पहुंच चुकी है 2 बिलियन US डॉलर पे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि डीफाई के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है अपने यूजर्स को, अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को। चाहे हम बात करते हैं कंपाउंड की, चाहे हम बात करते हैं डाओ मेकर की, चाहे हम बात करते हैं बंकर की, यहाँ पे सभी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और डीफाई प्रोजेक्ट, इसका नाम है आवे और इसके टोकन को कहते हैं लेंड। और यहाँ पे दोस्तों पिछले 24 घंटे में इस टोकन ने दिया है 30% का सर्ज और ये इस समय करंट डार्लिंग बना हुआ है डीफाई के यूजर्स के लिए। अगर दोस्तों हम आवे को कॉइन मार्केट कैप पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जो करंट प्राइस है वो आ चुकी है 0.19 पे और ये कभी भी 0.2 को टच कर सकता है। और पिछले 7 डेज का दोस्तों अगर आप चार्ट देखते हैं, तो 7 दिन पहले दोस्तों इसकी जो प्राइस थी वो थी यहाँ पे 0.13 और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सर्ज देखने को मिला है पिछले 24 घंटे में। तो यहाँ पे दोस्तों डीफाई पे जितने ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, उन सबको देखते हुए यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा इशू दिख रहा है दोस्तों, वो आ रहा है इथेरियम की तरफ से। क्योंकि इथेरियम दोस्तों हम सबको पता है कि वो अपना एक डीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आने वाला है, लेकिन अभी उसका जो पूरा फोकस है दोस्तों वो है इस समय उनके आने वाले नए अपडेट प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। और इनके दोस्तों जो फाउंडर है मिस्टर वितालिक, उन्होंने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में कहा था कि उनकी जो टीम है अपने टाइम से काफ़ी पीछे चल रही है और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो इतना ज़्यादा टाइम लेगा। उनके हिसाब से दोस्तों उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अगर उन्होंने 2015 में इस चीज़ को स्टार्ट किया होता तो शायद ये अब तक कंप्लीट हो गया होता। और यहाँ पे जो चीज़ें दोस्तों काफ़ी डिले हो रही हैं। अगर यहाँ पे हम देखिए, इनका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है कडानो, वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि कडानो की जो स्टेकिंग है दोस्तों वो आपको अगस्त मिड या अगस्त एंड तक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इथेरियम का टेंशन में आना काफ़ी लाजमी है। तो ये था दोस्तों हमारा इथेरियम की तरफ से और डीफाई की तरफ से एक अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डॉज कॉइन की। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबने देखा कि जो डॉज कॉइन है, कि ऐसा क्या हुआ कि डॉज कॉइन की जो प्राइस है दोस्तों वो एक रात में इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे दोस्तों जो कमाल का रीज़न है यहाँ पे इसके प्राइस के बढ़ने का, वो ये है कि एक टिकटॉक यूजर ने दोस्तों, जिसका नाम है जेम्स ग्लैंटे, उसने एक 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था लेट्स ऑल गेट रिच, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप $25 डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास करीब करीब 10,640
डॉज कॉइन आ जाएंगे। और इमेजिन करें कि अगर $1 प्राइस जाती है तो आपके पास आ जाएंगे 10,640 US डॉलर, जहां पे दोस्तों इस वीडियो को मिलते हैं करीब 57,000 लाइक्स और यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट 4,000 कमेंट्स देखने को मिले हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने $25 इन्वेस्ट करके 10,869 डॉज कॉइन बाय कर लिए और अगर प्राइस $1 चली भी जाती है तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे 43,378% का सर्ज देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों हम सबको पता है कि जो डॉज कॉइन वो एक मीम कॉइन है और इसे एक मीम की तरह ही बनाया गया था, और 2017 के बुलिश ट्रेंड के बाद जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स मार्केट से गायब हो गए, लेकिन डॉज कॉइन दोस्तों अभी भी यहाँ पे बना हुआ है और इस समय दोस्तों टॉप 40 के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक बात तो कह सकते हैं कि जो डॉज कॉइन दोस्तों वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है उसने बुल रन खत्म होने के बाद भी। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों सिर्फ इसी वीडियो की वजह से यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला है। अगर हम चलते हैं वापस से कॉइन मार्केट कैप तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 43.74% का यहाँ पे सर्च देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर आप चार्ट पे चलते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे 2 जुलाई तक इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 0.0023 पे थी और अभी दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आ चुकी है 0.004। मतलब कि अगर आपने 2 जुलाई को मतलब 4 दिन पहले यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता, 5-6 दिन पहले बाय किया होता दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे डबल का प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस ट्रेड कर रही है वो है इस समय 0.004। तो बेसिकली दोस्तों यही वो रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डॉज कॉइन के प्राइस में स्पाइक देखने को मिला। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे तीसरे अपडेट की तरफ जो कि आ रही है इंडियन आईटी जायंट टेक महिंद्रा की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन कंपनी टेक महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जहां पे वो कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करेंगे पायरेसी से। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे यूट्यूब हो गया या फिर और भी जो XYZ प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे जैसे बहुत जो फेमस क्रिएटर्स हैं जब भी वो कोई पब्लिश करते हैं अपनी वीडियो को तो लोग तुरंत उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस करके उस पर अपना टैग लगा के वापस से पब्लिश करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों टेक महिंद्रा लेके आ रहा है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को पायरेसी होने से बचाएंगे। तो ये दोस्तों काफी अच्छा स्टार्ट है टेक महिंद्रा की तरफ से। और अगर दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में कहा जाए तो BCRMS इसका नाम है, जो इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगी और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और रॉयल्टीज का भी ध्यान रखेगी, जो कि हेल्प करेगा पायरेसी को रोकने के लिए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि जो BCRMS सॉल्यूशन है ये काफ़ी अच्छा रहेगा ब्रॉडकास्ट और ओवर द टॉप जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो, Z5, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब ये देखना है दोस्तों कि टेक महिंद्रा इस चीज़ को कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है टेक महिंद्रा जो इस नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है क्या वो जरूरी है या नहीं है। चलते हैं दोस्तों हमारे चौथे इंडियन अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया की एक बहुत बड़ी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यूज करने जा रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनी सप्लाई चेन के लिए, और ये दोस्तों हेल्प करेगा फार्मर्स को एक हायर पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का नाम है वो है शायद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि अपने ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करेगी अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस के साथ। और ये दोस्तों इंडिया के लार्जेस्ट फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इनके जो फाउंडर है मिस्टर विवेक शिंदे वो कहते हैं कि अगर अभी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों फार्मर को उनका सामान बेचने के बाद जो फाइनल प्राइस मिलता है वो होता है दोस्तों 25%, लेकिन ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन होने के बाद यहाँ पे जो उनका शेयर है दोस्तों वो काफी बढ़ जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पे उन्हें कम से कम 50% का रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से काफी अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे आप फार्मर्स के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी जब देखे कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल दोस्तों लोगों की भलाई के लिए हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये मास अडॉप्शन की जो हम बातें करते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और भी दूसरे इंडस्ट्री के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों हमारे पांचवें और सबसे बड़े अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों वो आ रहा है TCS की तरफ से। TCS दोस्तों जिसका फुल फॉर्म में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अनाउंस कर दिया आज कि ये अपना एक क्वार्ट स्मार्ट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं जो कि हेल्प करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों TCS कहता है कि उनका नया क्रिप्टो सर्विस सोल्यूशन अलाउ करता है बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स को उनके इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को एनेबल करता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट में हेल्प करते हैं उनके क्लाइंट को। और जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि जो TCS है वो इंडिया की लीडिंग ग्लोबल IT सर्विस कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है,
और जब TCS जैसी कंपनी क्रिप्टो के फील्ड में आ रही है और अपना एक नया पोर्टफोलियो लेके आ रही है, तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो TCS है, जैसा कि हम सबको पता है, वो BSE और NSE में भी लिस्टेड है। अगर दोस्तों इनके इस नए सोल्यूशन की बात करें, तो ये सपोर्ट करता है मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन और डिजिटल करेंसी जो कि लिंक है फेड करेंसीज के साथ, ट्रेडिंग वेन्यूज के साथ या फिर पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ। अगर बात करें दोस्तों इनके क्वार्ट्स लेजर की, तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी अलाउ करती है कि वो अपने क्लाइंट के जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी या फिर जो उनके स्टेबल कॉइन या फिर मल्टी क्रिप्टो करेंसी है, वो उन्हें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपने हार्डवेयर कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में, जैसा कि हमें लेजर के ऊपर हमने देखा है, जहाँ पे नैनो एक्स है, नैनो एस है, आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों आप इनके क्वार्ट्स लेजर में भी जाके अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि बैंक और जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो अपने क्लाइंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ की इम्प्लीमेंट होने के बाद जो हम सुनते रहते हैं आए दिन कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा इंडिया में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा। हम सबको पता है दोस्तों जो TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, और जब TCS इस चीज़ में आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के वो कोई भी चीज़ ऐसे ही प्रेस रिलीज नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात होता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो इंडिया के अंदर काफ़ी सेफ है और हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि TCS का ये कदम आपको कैसा लगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज कुछ क्रिप्टो अपडेट्स इंडिया की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।